आप बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें। अच्छा मुझे बताना था कि मेरे कुछ रिश्ते आए हैं, उनमें से किसी एक रिश्ते को मैं कल हाँ करने का सोच रही हूँ। तो फिर फिर ये कि अपनी शादी का कार्ड मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर दूं या यूनिवर्सिटी में ले लोगे मुझसे? ताबिश के होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रूमी को ले जाए। रूमी सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। फिर वो एक घिसे पिटे डायलॉग्स, ये डायलॉग्स मैं पहले सेमेस्टर से सुन रही हूँ और अब आखिरी सेमेस्टर भी खत्म होने को आ गया। करना कराना तुमने कुछ है नहीं, सिर्फ डायलॉग्स ही हैं बस। रूमी तुम जानती हो, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुमसे पहले ना मेरी जिंदगी में कोई था, ना है और ना कभी भी होगा। तुम बात करो ना अपनी मामा से। इनफैक्ट अभी तक तुमने मुझे अपनी मामा से मिलवाया भी नहीं। अगर उन्हें हमारे इस रिश्ते से इनकार हुआ तो क्या करोगे तुम? मामा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और पापा को तो मेरी कोई भी बात नहीं टालते। हाँ बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं सेटल हो जाऊँ तो फिर शादी की बात करता हूँ, अच्छा भी लगूंगा। हमारी बात भी वैसे अपनी जगह ठीक है। आते रूमी कैसी हो? मेरी छोड़ो आतिफ, मुझे अभी अभी ताबिश ने बताया तुम्हारी मदर के बारे में। आई एम सो सो सॉरी टू हियर दैट। और तुम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? उनकी तबीयत खराब है, तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए। मामा के बारे में क्या मतलब? मामा तो आजकल लाहौर गई हुई है। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। तुम ना मुझे अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना, और अगर कोई कॉल या मैसेज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूमी रूमी मेरी बात तो सुन। रूमी इसको भी इसी टपकना था।